प्राइज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे शुभ दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, अच्छा दिन देखने के लिए। सुबह उठकर हम परमेश्वर का पवित्र वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे आयु को बढ़ाया, इसलिए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। रोज जो परमेश्वर का संदेश छोटा शब्द में हम सुनते हैं या परमेश्वर हमसे बात करते हैं, पास्टर साम जॉर्ज का संदेश ना समझे। पास्टर साम जॉर्ज को रोज परमेश्वर से जो संदेश मिलते हैं सिर्फ वही मैं बोलते हैं। मैंने कल दो दिन का मैसेज रिकॉर्डिंग किया और सुबह से तो मैं शरीर का कुछ क्लेश की वजह से ज्यादा समय रेस्ट में था, प्रार्थना में था। तो अचानक मुझे कुछ जगह से कुछ फोन आया और फोन ए ही है, संक्षिप्त में ए ही है, कुछ गांव में लगातार मौत हो रहा है, सुसाइड हो रहा है। कुछ गांव में लोग बड़ा भय में हैं और कुछ जगह से फोन आया, कुछ परिवार में जवान लोग बहुत सीरियस कंडीशन में हैं, पूरे परिवार को हिला कर रखा हुआ है। तब ये फोन मुझे मिला, अचानक परमेश्वर का आत्मा मुझे एक एनर्जी दिया। तब तक मैं लेटा हुआ था और एनर्जी दिया तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला है, जो संदेश मैंने आपको दो दिन से दे रहा है वो कंटिन्यू करो। इसलिए आज मैंने आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ देश में, कुछ घर में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बहुत बड़े काम करने के लिए इंतजार कर रहा है। जोएल नबी के किताब दूसरी अध्याय उसकी 8 आयत जब हम पढ़ते हैं, जोएल नबी दूसरी अध्याय उसका 8 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां ऐसे लिखा है, वे एक दूसरे को धकेलते नहीं, सब अपनी राह पर चलते हैं और रक्षा पकित को चीरते समय भी वे अपने पोक्त नहीं तोड़ते। जोएल नबी को पुराना नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नया नियम में क्या संदेश था? रिपेंडेंस, तौबा करो, इकरार करो, पश्चाताप करो। बड़े शक्ति से, नम्रता से नहीं था, बड़े शक्तिशाली प्रभाषण दिया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसके जगह में पुराना नियम में परमेश्वर सेम स्पिरिट में, सेम संदेश के साथ इस्तेमाल किया हुआ प्रभु का दास है जोएल। जोएल को एक देश का छुटकारा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हम सब जानते हैं प्रभु का वचन में लिखा है, शैतान
आज इस धरती का स्वामी है। कुछ गांव को, कुछ शहर को, कुछ घरों को वो नजर रखते हैं। लगातार मौत, लगातार एक्सीडेंट, लगातार एक ही जैसे बीमारी कुछ गांव में, कुछ शहर में। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, और एक बार मौत शुरू हो गया फिर बंद नहीं होते। मौत के ऊपर मौत, मौत के ऊपर मौत। और कुछ गांव में कुछ स्पेशल बीमारी बंद नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात हमने समझना, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया हुआ लोगों के ऊपर परमेश्वर ने एक अथॉरिटी, एक पावर दिया हुआ है। वो बात मैंने समझना है, हम साधारण लोग नहीं है। जोएल नबी पगली अध्याय, शत्रु एक देश को कैसे बर्बाद करते हैं ये आप देख सकता है। शॉर्ट मैसेज है, इसलिए मैं उसको विवरण कर नहीं पाते हैं। अब आराम से जोएल नबी पगली अध्याय पढ़ना, पूरा देश को शत्रु बर्बाद कर रहा है। उसके लिए जोएल नबी सॉल्यूशन कहते हैं, पहली अध्याय 14-15 आयत में, प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप। नया नियम में भी हमारे देश के ऊपर से, हमारे गांव के ऊपर से ये दुष्ट शक्ति का आक्रमण को रोकने के लिए परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। वो अधिकार प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमने इस्तेमाल करना है। दूसरा अध्याय में जोएल नबी दूसरे अध्याय पढ़ते हैं, नरसिंगा भूखो, उसका मतलब घर से बाहर निकलो, अपना चर्च के अंदर से बाहर निकलो, देश में कदम रखो। नरसिंगा भूखो, गांव का गली गली घूमकर आत्मा में प्रार्थना करो, घोषणा करो, नरसिंगा भूखो। प्रभु का महादया से हमारे जलंधर में हमारा 10-15 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में जितना प्रभु का दास लोग सेवा करते, हम कभी कभी संडे शाम को दोपहर के बाद गाड़ी में, स्कूटर में वॉकिंग प्रेयर चलते हैं, आत्मा में, अन्य भाषा में, देश के ऊपर, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि से नहीं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। फिर देश को बर्बाद करने वाला, नाश करने वाला अंधकार का शक्ति को हम ब्रेक कर सकता है। हाम्बर जोएल नबी दूसरी अध्याय में यही कहते हैं, नरसिंगा भूखो, देश बर्बाद हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है, मौत बढ़ रहा है, सुसाइड बढ़ रहा है, एक्सीडेंट बढ़ रहा है। हम चुपचाप रहने वाला नहीं है। दूसरा अध्याय 12 आयत में जब पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं प्रार्थना करो, तो परमेश्वर बोलते हैं अगर आप इसी तरह प्रार्थना में आगे बढ़ेगा तो। परमेश्वर ने हमको दिया हुआ अधिकार को, तुरही भूखते हुए, नरसिंगा भूखते हुए, अगर हम अपने अधिकार को डिक्लेयर करेगा तो बाकी काम परमेश्वर करेगा। उस समय
पवित्र आत्मा काम अपना हाथ में लेंगे, उसका 28 दूसरी अध्याय जोएल नबी दो दूसरे अध्याय 28 तो मैंने कहे, और उसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्माएं उंडेलूंगा। किसके बाद? पश्चाताप के बाद, प्रार्थना के बाद, उपवास के बाद, देश के लिए बाहर निकलकर देश के लिए तुरही भूखते हुए, नरसिंगा भूखते हुए डिक्लेयर अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के बाद पवित्र आत्मा काम अपने हाथ में लेंगे। और लिखा सबके ऊपर, ऐसे लिखा गया सबके ऊपर, सब लोगों पर, अकेले विश्वासी के ऊपर नहीं। जिस जिस घर में मौत हो रहा है, जिस जिस गोत्र में मौत हो रहा है, जिस जिस परिवार में मौत हो रहा है, पवित्र आत्मा काम करेगा और लोग मौत से बाहर आ जाएगा। मौत की आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा ब्रेक डालेगा, जरूर परमेश्वर कार्य करेगा। और तीसरी अध्याय जब हम बोलते हैं 18 आयत में संपूर्ण छुटकारा हो जाते हैं, देश का संपूर्ण छुटकारा। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, कुछ गांव में, कुछ शहर में, कुछ घर में परमेश्वर का बहुत अद्भुत काम प्रकट होने जा रहा है। जैसे कल मैंने वचन से बोला था, बहुत बड़े काम, बहुत बड़े काम परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। स्वर्ग पिता में धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में हम पिता से मांगते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अधिकार को हम जान सके। बहुत लोग निराश में, हम क्या करूं, हम क्या करूं, हमारे बच्चों के छुटकारा के लिए, हमारे देश के छुटकारा के लिए, हमारे गांव के छुटकारा के लिए हम क्या करूं, ऐसे सोच सोच कर परेशानी में बैठा है। आज प्रभु तेरे आत्मा मेरे से बातचीत किया और कुछ गांव से मुझे फोन आया, यीशु के नाम में मैं इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, तुरही भूखते हुए उस गांव के ऊपर हुकूमत करने वाला मौत की आत्मा को, सुसाइड की आत्मा को यीशु के नाम में मैं रिब्यूक करते हैं, और पवित्र आत्मा उस गांव में कार्य करे, उधर का कलीसिया का सीमा बढ़ाए, उस गांव का प्रभु का सेवकाई के विरोधी प्रभु का कदमों पर आकर गिर जाएं, प्रभु तेरा नाम घिमा पाए। धन्यवाद देते प्रभु, पवित्र आत्मा तेरे हाथ में हम काम को समर्पित करते हैं। हम आपका पवित्र आत्मा आपका बड़े काम के लिए इंतजार कर रहा है। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद यीशु मसीह के बहुत नाम से हम मांगते हैं। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का बड़ी काम के लिए इंतजार करो, अपने आप को पछता टूटते हुए प्रार्थना के लिए समय निकालो, तुरकी भूंगने के लिए घर से बाहर निकलो, वॉकिंग प्रेयर करो। देश परमेश्वर आपका हाथ में देने जा रहा है, जयवंत आपका है। इस वचन के द्वारा खुद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। डेली ब्रेड वचन की सेवा सुना हुआ आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं सलाम पेश करता हूं। ये संदेश अगर फिर लगातार आप सुनना चाहते हैं
और मिनिस्ट्री के बारे में, हमारा मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं, पीछे बोलने वाला व्हाट्सएप नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकता है 7973299085। एक बार और मैं बोलते हैं 7973299085। परमेश्वर आप सबको बहुत आई से आशीष दे। God bless you. God with you.